पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। हुड्डा ने हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर वन था, ये कहा उन्होंने तंज कसते हुए निशाना साधते हुए। हरियाणा आज विकास में पिछड़ते हुए महंगाई और अपराध में नंबर वन है। हुड्डा ने खिलाड़ियों को फिर से समर्थन देने की बात भी कही। इस दौरान राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलाने के लिए समर्थन करें, ये बात भी हुड्डा की तरफ से कही गई। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हरियाणा सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई कार्य तो है नहीं, कोई भी एक भी कार्य इनके उपलब्धि में नहीं है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज किस चीज़ में नंबर एक है? आज बेरोजगारी में, अपराध में, और आप देख रहे हैं हर हिसाब से विकास में पिछड़ गया। जो नंबर एक पे था वो अपना पायदान नीचे आ गया उसका। सर जो बेटियां दिल्ली सारे राजनीतिक दलों को सारे संगठनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए, उनको न्याय।